हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 रेडिच सेज ग्रीन कलर 2022। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कलर, सेज ग्रीन कलर, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कलर आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, जो कि सिर्फ टैंक में है, बाकी तो सारा आपको ब्लैक में ही देखने को मिल रहा है और सिल्वर में। तो सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन की बात करते हैं, तो आपको फ्रंट सेक्शन में क्या मिलता है। तो आपको यहाँ हेलोजन बल्ब हेडलाइट देखने को मिल जाता है, बाकी आप यहाँ पे क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। मडगार्ड की बात करें तो फुल्ली ब्लैक कलर है, ग्रीन सेज कलर है, सेज ग्रीन कलर है, पर आपको ब्लैक ही मिलता है हर जगह। टायर की बात करते हैं तो 100/90 का 19 इंची का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि सीएट का है। स्पोक व्हील्स देखने को मिलता है, अगेन आपको ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलता है। ब्रेक की बात करें तो 300 mm का डिस्क आपको देखने को मिल जाता है विथ ABS के साथ, ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाइवर के ब्रेक्स पिस्टन, ट्विन पिस्टन के साथ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। साइड इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करते हैं अब, तो सबसे पहले आपको यहाँ इंजन के बारे में बता दें, 20.2 HP का मैक्सिमम पावर ये आपको दे सकता है, जो कि 6100 RPM पर है। टॉर्क की बात करें तो 27 Nm का टॉर्क ये आपको दे सकता है 4400-4000 RPM के आसपास में, 27 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी ख़तरनाक टॉर्क है। एग्जॉस्ट पाइप आप देख सकते हैं, एकदम क्रोम फिनिश के साथ स्टील में आपको एग्जॉस्ट पाइप मिलता है, एकदम लंबा वाला। यहाँ पे आपको क्लासिक 350 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है, सिंगल चैनल ABS है, और डिस्क भी आपको सिर्फ फ्रंट में ही मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। टायर की बात करें तो यहाँ भी आपको सीएट का टायर देखने को मिल जाता है, 120/80 का टायर, ये 18 इंच का टायर है। सामने वाला जो है वो 19 इंच का था, ये 18 इंच का है विद स्पोक व्हील्स के साथ। पीछे का सेक्शन आपको कुछ ऐसा सा दिखता है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जो कि रॉयल इनफील्ड बुलेट की पहचान है। क्लासिक 350 आपको टेल लाइट हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है साइड इंडिकेटर के साथ, यहाँ पे नंबर माउंटिंग प्लेट की जगह आपको मिल जाती है। यहाँ पे पिलियन ग्रैब हैंडल बार आपको देखने को मिल जाता है, वैसे ये बाइक एक्सेसरीज के साथ आई हुई है, लगी हुई है, तो आपको एक्सेसरीज में भी देखने को मिल रहा होगा, लेग गार्ड भी लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर क्लासिक 350 का लोगो देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, राइडर सीट और पिलियन सीट, तो राइडर सीट दोनों में कवर लगा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेसरीज लगी हुई है इस बाइक में। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिल रहा होगा इंजन में, जो कि एक खासियत है, मैंने ऐसा लोगो अभी तक नहीं देखा है इंजन में, क्योंकि अभी मेरे हिमालयन में जो बाइक, मेरी जो हिमालयन है उसमें सिर्फ R का ही लोगो है, बड़ा सा R का लोगो। गियर की बात करें तो इसमें 5 कांस्टेंट मेस गियर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक आगे बाकी सारे पीछे। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ग्रीन कलर टैंक है। अब बात करते हैं इसके कॉकपिट की और इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो सबसे पहले इसके की को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आपको डांसिंग नीडल देखने को मिल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर आपको एनालॉग देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको डिजिटल में क्या देखने को मिलता है, ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, हेजर्ड लाइट दी हुई है इसमें। यहाँ पे बात करते हैं राइट हैंडल, लेफ्ट हैंडल की, तो यहाँ पे आपको क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि वेट मल्टीप्लेट है। यहाँ पे आपको पासिंग लाइट, लोअर बीम और अपर बीम का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न का बटन, काफ़ी हैवी हॉर्न है,
क्लासिक की पहचान। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत। एक और खास बात, आपको यहाँ पे USB चार्ज देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे है इस साइड में। USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये रहा। अब राइट हैंडल बार की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ स्विच, स्टार्ट और ये स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर जो है वो डिजिटल देखने को मिल जाता है, और ट्रिप एफ मोड में है अभी, यानी कि इसका फ्यूल कम है। तो गाइस सबसे पहले आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाते हैं। भाई बाइक की साउंड है यानी खतरनाक, क्लासिक की साउंड तो ऐसे ही खतरनाक होती है। तो गाइस आपको यहाँ पे जो है ऑटो डे लाइट रनिंग लैम्प देखने को मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब के साथ, पर जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है आपका मेन लाइट जलने लगता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर से रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 लेना चाहते हैं 2022 में, तो सेज ग्रीन आपका एक ऑप्शन हो सकता है, काफ़ी खूबसूरत कलर आपको इसमें देखने को मिलता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।